एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने ये शाम को खीर बनाई थी, तो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। तो आज शरद पूर्णिमा है, तो मैंने इसलिए खीर बनाई थी। सब कहते हैं ना कि आज के दिन खीर बना के रात में बाहर मतलब रखने से अमृत बरसता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग ने बाहर रखा था कि नहीं। तो मैंने एक दो बार ही रखा था, उसके बाद से मुझे याद ही नहीं रहता था। तो इस बार मैंने पेपर में पढ़ा था, इसलिए मुझे इस बार ध्यान था। मैं हर बार भूल जाती थी, मतलब मैंने दो बार रखा था। एक बार बहुत अच्छा शरद पूर्णिमा था, तो उस समय बहुत हल्ला हुआ था, तब मैंने रखा था। और एक दो बार रखा होगा, ध्यान नहीं है। तो आज मैं रखने जा रही हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कॉमेंट करके कि आप लोग ने ये खीर बना के बाहर रात में रखा, खुले आसमान के नीचे रखा था कि नहीं। तो मैं अभी वही जा रही हूँ, टेबल पर रख करके रखूंगी मैं बालकनी में। और छलनी ले जा रही हूँ, इसी से मैं ढक दूंगी ताकि कोई कीड़ा या बिल्ली उल्ली जूठा ना करे। इसीलिए कीड़ा भी ना चढ़े, कोई गंदा भी ना पड़े। तो इसलिए थोड़ा सा ही कटोरा में रख रही हूँ, प्रसादी के तौर पर मैं सबको सुबह में दे दूंगी। तो यहाँ मैं रखूंगी, आपको रात में हो बिकने का होगा। यहाँ पूरा पेड़ पौधा है, तो थोड़ा सा यहाँ किनारे करके मैं रख रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ जहाँ मैं रख रही हूँ, एकदम वही नीचे में, उसी के नीचे रख रही हूँ। इसी के ऊपर चांद है, आप देख सकते हैं, खूब अच्छा लग रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक इसी के नीचे मैं रख रही हूँ। मैं आपको इमरजेंसी लाइट की दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से रखा। तो ये देखिए, मैंने एक बड़ा कटोरा लिया है और उसमें फिर मैंने खीर रख दिया, उसके बाद ऊपर से चलनी मैंने रख दिया है। तो इस जगह मैंने रख दिया है और इसके ऊपर मैं कुछ दाब दूंगी ताकि ये बिल्ली उल्ली से ढक ले नहीं कुछ से। तो अभी हमारा खाना पीना सब हो गया है, तो बस ये कुकर और ये बेटा लास्ट तक खाते रह गया, तो वो छूट गया है। तो अभी मुझे मन नहीं कर रहा है, तो कल मिलते हैं फिर नए वीडियो में। नहीं सॉरी, कल मिलते हैं, इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये अब सुबह का वीडियो है, तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर भुंजिया भुंज रही हूँ, क्योंकि अभी सब्जी कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि तब तक भुंजिया बना देती हूँ, नहीं तो और काफ़ी लेट हो जाता। तो अभी सब्जी पापा लाने गए हैं, तो इसलिए मैंने तब तक भुंजिया बना दिया। और बच्चों ने कहा कि भुंजिया के साथ कचौड़ी बना दो या पूड़ी बना दो मम्मा, तो वही मैं बना रही हूँ। और कल जो मैंने खीर बनाई थी वो तो है ये है। तो यहाँ मैं आटा सान रही हूँ, तो मैं वही सबको दे दूंगी। सब्जी फिर आएगा तब बनेगा, क्योंकि भुंजिया के साथ ऐसे सूखा सूखा रोटी लगता है, इसलिए मैंने सोचा चलो पूड़ी भी बना देती हूँ। तो जल्दी से मैं बना के, तो मैं भी, तो कल चंद्र ग्रहण भी था, तो मैंने भी नहा वहा लिया है। तो वही मुझे थोड़ा ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा को इस तरह से लपेटा हुआ है। और सफाई भी करना था, पर मैं आज नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम लोग को एक काम आ गया था, तो हम लोग को कभी भी जाना हो सकता था, इसलिए हम लोग ने आज किचन वाला सफाई नहीं किया। और सब घर में सबके तबीयत भी ठीक नहीं है, सबको वो सर्दी खांसी गला में खराश सबको हो रखा है, तो इसीलिए आज उतना काम हम लोग ने नहीं फैलाया, सफाई का मैंने काम नहीं किया। और वीडियो भी ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग ने जितना काम था वही सब हम लोग सोचे कि निपटा लेते हैं, तो इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है। जितना बना था मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं पूड़ी बना रही हूँ। क्योंकि इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो फीवर, इनको भी फीवर सर्दी और गला में खराश था, शरीर में दर्द होके जो फीवर आता है ना वही था। क्योंकि मौसम यहाँ एकदम ठंडा ठंडा, अचानक से ठंड भी आ गई है, तो मौसम चेंज हो रहा है इस कारण से भी। तो ये देखिए, मैं जल्दी से पूड़ी बना के तब पहले बेटी को दे दूँगी, क्योंकि वो उसे भूख लगी हुई थी। तो आज मेरा समय आज पूरा खाली खाली गया, मैंने वैसा कोई काम अभी सफाई का कोई काम नहीं किया, बस कल जो पर्दा उर्दा खोला था ना मैंने, बस वही सब साफ किया मैंने,
और बस जो घर का डेली का काम होता है वही किया आज मैंने, वैसा नहीं किया। कल से देखती हूँ, सभी लोग ऑफिस ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तब कल से मैं देखूँगी। तो ये देखिए मैंने बेटी का नाश्ता निकाल दिया, तो आप सब भी आ जाइए। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा।